हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्या दे रहा है? देखो, मोड वाला आ गया है पार्ट, है ना। तो फर्स्ट है, कंटिन्यूस बताना है आपको। तो फर्स्ट देखो, सबसे पहले एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो। मतलब कि अगर मैं एफ जीरो पुट करता हूँ तो जीरो निकल के आता है। ठीक है, अब आते हैं अपन लेफ्ट हैंड लिमिट पर। कोई भी पहले आगे पीछे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव वाला जब होगा तो मेरी लिमिट क्या हो जाएगी? तो मेरा मतलब सॉरी, मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स का मोड। बट मुझे यहाँ पर पता है व्हेन एक्स लेस देन जीरो, जो मोड का वैल्यू होता है वो किस में चेंज हो जाता है? नेगेटिव एक्स में। तो मैं यहाँ पर भी वही करूंगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव में ये एक्स अपॉन माइनस एक्स पुट करूंगा। एक्स एक्स कैंसिल आउट हुआ, कितना आंसर आया मेरे पास? माइनस वन आया निकल के। अब राइट हैंड लिमिट को देखो आप, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, सेम कंडीशन है। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो पॉजिटिव ऑफ, यहां पर वैल्यू क्या रखेंगे हम? एक्स अपॉन एक्स का मोड, एक्स अपॉन एक्स पॉजिटिव रहेगा। इस बार आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव वन आएगा। ठीक है, तो क्योंकि मुझे पता है व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो मोड का जो वैल्यू है वो निकलता है पॉजिटिव एक्स में। यानी कि अब आप यहां देखो, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स। देखो ये नेगेटिव वन है, ये पॉजिटिव वन है, इसका मतलब एफ इज डिसकंटिन्यूअस। तो नेक्स्ट पर लिख देता हूं मैं, एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पर। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड वाला, इस पर देखो वही वाली चीज वापस से करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू फोर पर निकालनी है, तो फोर नेगेटिव देखो, फिर मैंने बताया चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव सबके लिए फंक्शन रहेगा ये है। लिमिट एक्स टेंस टू फोर नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू हुई एक्स माइनस वन ऑन टू एक्स माइनस फोर मोड में, मोड में, मोड में ना। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको यहां पर, इस मोड का मतलब है कि आपको यहां पर वैल्यू इस बार क्या रखनी है? नेगेटिव में रखनी है। काई में रखनी है, नेगेटिव में रखनी है। क्यों रखनी है नेगेटिव में? क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है फोर से लेस देन है। देखो ये सब मल्टीप्लाई में है, ये है ना मल्टीप्लाई में है, तो ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो माइनस का हाफ बचेगा आपके पास। ये नेगेटिव टू हो जाएगा और ये हाफ हो जाएगा। अगर यही वैल्यू मैं पॉजिटिव में लेता हूँ, है ना, यही वैल्यू मैं पॉजिटिव के अंदर जो है कंसिडर करता हूँ, तो देखना क्या हो जाएगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू फोर पॉजिटिव, एक्स माइनस फोर टू एक्स माइनस फोर और ये मोड। फिर मैंने बताया इस बार वैल्यू क्या रहेगी आपके पास? इस बार वैल्यू किस में रहेगी आपके पास? पॉजिटिव में रहेगी। एक्स माइनस फोर का जो मोड खुला ना वो पॉजिटिव में रहेगा। क्यों? क्योंकि इस बार फोर पॉजिटिव है यहाँ पर, तो ये वैल्यू से कैंसिल आउट, इस बार पॉजिटिव है। क्लियरली दिख रहा है आपको यहाँ पर, लिमिट एक्सटेंड्स टू फोर नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू फोर पॉजिटिव एफ एक्स। एट फोर पर तो वैसे भी जीरो आ ही रहा था, तो वैसे ही नॉट इक्वल्स था। इसका मतलब एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू फोर। बताओ समझ में आया क्या? दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10।